तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। राव 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। राव 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।
कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन वाला 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लन, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वू, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर
सराहना मिलती, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एम डी से 4.8 की और रिटर्न वाला 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने शक की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एम डी से 4.8 की और रिटर्न वाला 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा,
सहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण ने VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रिटर्न 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, सहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण ने VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे
प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की ID है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की
वहाँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रिटर्न 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी की फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे
प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और 2रे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ रुपये की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और 2रे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है।
मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे
प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर बता लगे, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रिटर्न 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लन, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वू, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर बता लगे, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने शक की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की
वहाँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व प्रशिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रिटर्न से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे
प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रिटर्न से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है। एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की ID है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक
मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर बाय और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर बाय और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है।
मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रिटर्न 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे
प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ रुपये की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पे लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफी प्रशंसा अर्जित की थी लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की
वहाँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं
और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि बैजंती रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लन, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वू, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने शक की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन
साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने शक की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।
कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायरल रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर
सराहना मिलती, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक कोई इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर उपनाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी सेगल को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रिटर्न से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है। तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक कोई इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर उपनाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रिटर्न से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा,
सहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश साहिब भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जी वन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जी वन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और YouTube पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन वाला 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लन, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, सहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश साहिब भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे
प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण ने VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की
वहाँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व प्रशिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रिटर्न 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है। एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में। UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक
जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि बजरंगी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है। तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon Prime Video पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और YouTube पर बायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है। एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की ID है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि बजरंगी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3रे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है। तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon Prime Video पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और YouTube पर बायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 10.7
4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लन, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लन, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई
एवरेज ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बैरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रिटर्न 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों। रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बैरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर
सराहना मिलती, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक कोई इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर उपनाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास G1 को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर उपनाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वायर रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रोटेन 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा,
सहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश साहिब भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है। एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देखकर पता लगे। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज़ से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लो, मुश्ताक शेख, डेविड बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, सहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप, ताहिल और सतीश साहिब भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है। एक वीडियो गेम पति पक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX, एक्शन, दर्शन, निर्देशन, संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे
प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर बता लगे, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन VFX वाली मूवी देखना पसंद है, तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको Amazon प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 4.8 की और रिटर्न 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों रावण 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी, जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लन, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है, जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वू, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसीफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की माँ 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण VFX एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में UK स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की, जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम, जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं, को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने सक्की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल 3rd स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसीफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसीफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है, तो आकाशी शेखर को कॉल करती है, जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर बता लगे, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है।
यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज से 62% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जो कि एक सुपर हीरो मूवी थी शाहरुख खान की। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले दोस्तों। रॉ 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और जिन्होंने कनिका ढिल्लम, मुश्ताक शेख, डेविल बुनेलो और निरंजन अयंकर के साथ पाठकथा और संवाद लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिकाओं में है और अर्जुन रामपाल मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिकाओं में है जबकि करीना कपूर, अरमान वर्मा, साहना गोस्वामी, टॉम वो, दिलीप ताहिल और सतीश शाह सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी रॉ के इर्द गिर्द घूमती है, एक वीडियो गेम प्रतिपक्षी जो आभासी दुनिया से भाग जाता है और लूसिफर जो रॉ की आईडी है का शिकार करने के लिए वास्तविक दुनिया में आ जाता है। मूवी फोटोग्राफी इस मूवी की मार्च 2010 में शुरू हुई थी और भारत और यूनाइटेड किंगडम और कई जगह पे शूट हुई थी। इसका बजट था लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस पर लेकर 207 करोड़ तक की कमाई की थी। रिलीज होने पर रावण वीएफएक्स एक्शन दर्शन निर्देशन संगीत और खान और रामपाल के प्रदर्शन के लिए इस मूवी ने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की थी लेकिन स्क्रिप्ट के लिए आलोचना की गई। यह घरेलू स्तर पर 2011 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई। दुनिया भर में 2011 की दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली बॉडी बिल्ड फिल्म बन गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ की कमाई की और व्यावसायिक रूप से सफल ही। बाद में इसने अपने तकनीकी पहलुओं के लिए कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहानी की बात करें तो कहानी इस मूवी की शुरू होती है लंदन में यूके स्थित कंपनी बायरोन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर ने एक नई तकनीक पेश की जो डिजिटल दुनिया की वस्तुओं को कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। शेखर सुब्रमण्यम जो कंपनी के लिए भी काम करते हैं को एक अलग वीडियो गेम तैयार करने का काम सौंपा गया है, यानी मौका दिया गया है अपने शक की बेटे प्रतीक को प्रभावित करने के लिए। और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के विचार का उपयोग करता है कि प्रतिद्वंदी नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों की चाल प्रदान करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करते हैं और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है जबकि प्रतिद्वंदी रावण चेहराहीन रहता है और उसके पास जीवन को दी गई शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ होती हैं जिसमें शामिल है आकार बदलना। रावण एक स्व शिक्षण AI से सुसज्जित है। खेल के 3 स्तर हैं और किसी भी खिलाड़ी को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक का उपयोग करके मारा जा सकता है जिसमें एक गोली ही होती है। गेम को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खराबी नज़र आती है लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गेम आखिरकार लॉन्च होता है तो इसे खड़े होकर सराहना मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और प्रत्येक को यह इतना पसंद आता है कि वह उसे तुरंत खेलना शुरू कर देता है, यानी खेलने पर जोर देता है। प्रत्येक लूसिफर नाम के तहत लॉगिन करता है और दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है लेकिन आकाशी द्वारा से बाधित किया जाता है। आत्मा जागरूक रावण लूसिफर के साथ अपनी बारी समाप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह निर्धारित कर लेता है कि लूसिफर मर जाएगा जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता है। तो आकाशी शेखर को कॉल करती है जिसमें गेम में एक समस्या का पता चलता है। तो आगे मूवी में क्या होता है मूवी देख कर पता लगे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है या फिर बेहतरीन इंडियन एक्शन वीएफएक्स वाली मूवी देखना पसंद है तो एक मूवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर वाई और रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb से 4.8 की और रोटेन टोमेटोज से 62% की रेटिंग मिली हुई है।